विदिशा जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने विदिशा में पदभार मिलते ही संपूर्ण जिले के लो एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए स्टाफ से तालमेल बनाने और कानून व्यवस्थाओं का जायजा लेने, आम जनता की समस्याओं को दूर करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। जी हाँ, इस कोशिश में विदिशा SP काशवानी जिले में सभी जगह के थानों के दौरे कर रहे हैं। वे लटेरी अनुभाग के विभिन्न स्थानों पर पहुँच थानों की साफ सफाई, ग्राउंड सूचनाओं का आदान प्रदान और पुलिस का पब्लिक से सार्थक व्यवहार, अपराधों पर कंट्रोल की मजबूत तैयारी, रात्रि गश्त, कॉम्बिंग गश्त द्वारा अपराध जैसे अवैध नशा, ऑनलाइन फ्रॉड, जुआ सट्टा आदि से समाज की रक्षा और अपराधों से आम जनमानस की रक्षा करने को लेकर समझाइश दी जा रही है। श्री काशवानी मुरवास थाना प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा और उनके स्टाफ से मिले और अधीनस्थ स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर के वरिष्ठ नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि, नेता, समाज सेवी और लटेरी के तमाम पत्रकारों से भी मुलाकात कर लटेरी के हालात के विषय में जानकारी जुटाई और पुलिस के सहयोग के विषय में शिकायत और सुझाव लिए गए। यहाँ SP ने कहा कि हम हर प्रकार से अपने जिले के हर थाने पर शांति, अमन, भाईचारे और कानून व्यवस्था, लो एंड ऑर्डर को हमेशा कायम रखेंगे। हमारे किसी भी थाने पर अपराध दर्ज होने पर हमारे द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुनव्वर खान की रिपोर्ट। यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। कल जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो मैं समझता हूँ किसी क्षेत्र में सबसे शांत इलाका है ये। भले ही रिकॉर्ड में कुछ बातें हों, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझने के नाते कुछ चीज़ें लिखी जाती होंगी, वो भी हम समझते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में अगर देखें तो लटेरी से अच्छी जगह सुकून की कहीं नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगी। क्योंकि ये छोटी मोटी बातें सब चलती रहती हैं, बाकी हमारे यहाँ बहुत अच्छा तालमेल है, हम सब मिलके रहते हैं और मैं समझता हूँ आने वाले 100 साल तक ये माहौल हमारे यहाँ बना रहेगा। और कोई बात होती भी है तो पुलिस और प्रशासन, वर्तमान में जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो सारे इतने टच में हैं आम लोगों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, BJP के हों या किसी भी समाज के धर्म के हों। तो SP साहब बहुत अच्छा माहौल है और हम आपका स्वागत करते हैं और कोई शिकायत भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। ने उस कांड को अंजाम दिया है, वो नशे का अवैध व्यापार करता था और उसको पकड़वा दिया गया तो वो जेल गया। तो यहाँ पर जो शराब का कारोबार है वो बहुत लंबे पूरे स्रोय लटे गए हैं और उस नशे के कारण वहाँ पर दिन मतलब रात में जाग करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और उसमें वहाँ के पुलिस आरक्षक महोदय का भी षड्यंत्र था, लेकिन उसका नाम वहाँ पे नहीं लिखा गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसमें आप गहराई से जा करके उसकी जांच करा करके वहाँ जो भी दोषी हैं उनको आप सजा दिलवाएं। एक बार पुनः आपका लटेरी नगर आगमन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यहाँ पर हमारी मूर्ति जी से, राजनीय जी से, पारोकर साहब से, नवीन साहब से, सभी से दोनों में कहीं अपने क्षेत्र विषय में बताना चाहते हैं तो बताएँ। आदरणीय नवीन साहब का तो दोनों वहाँ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूँगा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने अच्छा जाहिर भी थी कि मैं सभी से मिलना चाहता हूँ और कुछ उनके सुझाव और अनुभव को हम शेयर करेंगे। और जो कि साइबर क्राइम के मामले में या महिला अपराध के मामले में या बालक बालिकाओं के मामले में जो है, तो वो उसमें अपना पक्ष भी रख के उनसे